हमारा जो पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तना पढ़ना। तना इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। चलो सबसे पहले देखेंगे कि तना जो होता है इसका विकास कहां से होता है। तो स्वाभाविक सी बात है बीज से ही होगा, ठीक है ना? बीज से होगा तो डायरेक्ट भी बिना बीज के थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो बीज होता है तो बीज का जो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। कल पढ़ा दिया था ये वाला पार्ट। मूलांकुर से यानी बीज के जो मूलांकुर से जो निकलता है वो होती है जड़। क्या होती है? जड़। और ये किधर जाती है? ये भूमि की ओर जाती है। किधर जाती है? भूमि की ओर जाती है, ठीक है? वही इसकी बात करते यहाँ वाला जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रांकुर बोलते हैं। और प्रांकुर से किसका विकास होता है? किसका होता है? तने का होता है। तो बीज में दो पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है मूलांकुर, एक और एक क्या होता है? प्रांकुर। जो मूलांकुर से जो निकलती है वो जड़ निकलती है, प्रांकुर से क्या निकलता है? तना निकलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकास के तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? किससे होता है? प्रांकुर से होता है। किससे होता है? प्रांकुर से होता है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है इसका। दूसरी बात जैसा मान लो अपना देखा था जब जड़ हम लोग पढ़ रहे थे तो जड़ क्या हो रही थी कि भूमि की ओर बढ़ रही थी। किसकी ओर बढ़ रही थी? भूमि की ओर बढ़ रही थी। तो अपनों ने कल इसके दो चीज लिखे थे, एक लिखा था जियोट्रोप। क्या लिखा था? जियोट्रोप। और एक और क्या लिखा था? फोटोट्रोप। फोटोट्रोप। इसका मतलब ये होता है जड़ जब हमने पढ़ा था कि जड़ क्या होती है? भूमि की ओर अग्रसर होती है, भूमि की ओर अग्रसर। तो जड़ का जो जियोट्रोप होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता था, ठीक है? और इधर रहता सूरज, यानी एक तरह से इसको प्रकाश बोल सकते हैं। तो प्रकाश के नेगेटिव ओर गति करती है ना, प्रकाश के विपरीत की ओर गति करती है। अगर जड़ के बारे में पढ़ोगे तो जड़ का जो जियोट्रोप होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और प्रकाश के विपरीत ओर बढ़ती है तो जड़ का जो फोटोट्रोप होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन उसी प्रकार यदि हम लोग तना देखें तो तना कैसे बढ़ता है? तो प्रकाश की ओर ऊपर बढ़ता हुआ जाता है, तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसका जो फोटोट्रोप होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जमीन से दूर जा रहा है तो तना जमीन से दूर ही तो जा रहा है, तो इसका जो जियोट्रोप होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो अपनों ने जड़ में पढ़ा उसका अपोजिट है। बस जो तने का जो विकास है वो कहां से हुआ है? प्रांकुर। और जड़ का कहां से विकास हुआ था? मूलांकुर से हुआ था, ठीक है? तो तने का जो जियोट्रोप होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। और फोटोट्रोप कैसा होगा? कैसा होगा? पॉजिटिव। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तने का गुरुत्वानुवर्तन कैसा होता है? कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है? और तने का इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशानुवर्तन। तने का प्रकाशानुवर्तन कैसा होता है? कैसा होता है? पॉजिटिव। ये तो आ गया ना सभी को समझ में। नेक्स्ट अब देखो आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, आपने आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है? और बनाते कौन है उसमें? तना किस केसर के तना भोजन बनाता है? एक परसेंट केसर में तना भी भोजन बना सकता है।
जड़ के समान है, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तने के प्रकार या फिर टाइप, ये मेनली तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पहले समझ लो फिर उसके बाद देखना। एक होता है, इंग्लिश पीडीएफ में मिल जाएगा ना, वाइवी तना। जैसा तना देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा था, वाइवी तने का मतलब है ऐसा तना जो संपूर्ण रूप से हवा में रहता है। हवा संपूर्ण रूप से कैसा रहता है, वाइवी तना, मतलब संपूर्ण रूप से कहां रहता है, हवा में रहता है। जैसे आपने देखा होगा नीम का पेड़, तो नीम का जो भी अपने को जमीन से ऊपर जो भी हिस्सा नजर आता है वो भी क्या हो जाएगा, वो एक तना ही है, ठीक है। जैसे आम देखा होगा तो इसका जितना भी संपूर्ण हिस्सा जो आपको नजर आता है वो भी क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। यानी ऐसा हिस्सा जिसका 100% जो तना है वो भूमि से बाहर रहता है, ना बात समझे, उसे हम लोग किसमें किस कैटेगरी में रखेंगे, वायवी तना, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है अर्धवायवी, अर्धवायवी देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, कहने का मतलब क्या है, आधा हवा में रहेगा और आधा कहां पर रहेगा, मतलब कुछ पार्ट जो है वो जमीन के अंदर रहेगा। जैसे आपने देशी ये देखा हो गांव में रचका वर्षी होते ना, ठीक है, उसमें यदि यदि आप कांपते हो तो कुछ जो हिस्सा रहता है वो जमीन के अंदर रहता है, रहता ना। जैसे जिस टाइम थकाई वगैरह होती तो उसमें कुछ पार्ट उसका नीचे वाला निकलता है, ठीक है ना। बाजरा हो गया, बाजरा कुछ जो पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा जमीन के अंदर रहता है, तना है ना बात समझे। तो कुछ ऐसा तना जो आधा हवा में रहता है और मतलब इसका जो कुछ पार्ट रहता है वो कहां रहता है, जमीन के अंदर रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवायवी तना। तो इसके अंदर उदाहरण में लिख सकता हूं मैं घास, लिख सकते ना घास, ठीक है। जलकुंभी देखिए, आपने जलकुंभी का जो कुछ पार्ट होता है वो उसका जो तना होता है, कुछ जो तना होता है वो भी कहां रहता है, जमीन के अंदर रहता है। देखो बाकी आप लोग उदाहरण आप लोग देख लेना, मैं पीडीएफ में सेंड करूंगा, मेन मेन बता रहा हूं आपको। तो वायवी तना किसे बोलेंगे, ऐसा तना जो 100% कहां पर रहता है, हवा में रहता है। ऐसा तना जिसका जो कुछ पार्ट है वो कहां पर रहता है, जमीन के अंदर रहता है। और एक जो तना होता है जो संपूर्ण रूप से जमीन के अंदर रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे भूमिगत तना। क्या बोलेंगे, भूमिगत तना। ऐसा तना जिसका 100% यानी 100% पूरा का पूरा जो भाग है वो कहां पर रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भूमिगत तना। जैसे आपने देखा हो आलू, आलू भी एक तना की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अदरक, अदरक भी जमीन के अंदर ही होता ना। प्याज, लहसुन, तना तना के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से, वायवी तना। ऐसा तना जो संपूर्ण रूप से हवा में रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वायवी तना। नीम और आम का हो गया, अर्धवायवी तना किसे बोलेंगे, ऐसा तना जो इसका जो कुछ पार्ट होता है वो कहां रहता है, जमीन के अंदर रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवायवी तना, ठीक है। उसका उदाहरण कौन सा हो गया, घास और जलकुंभी। ऐसा तना जो 100% जमीन के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो भूमिगत तना बोलेंगे, ठीक है। जिसमें अदरक आ गया, हल्दी आ गया, प्याज आ गया, लहसुन आ गया, आलू आ गया, एक ओल भी आता है, आलू के जैसे दिखता है ओल। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपसे ऐसा पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से ये प्याज है, प्याज का है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, या फिर ऐसा निम्न में से कौन सा तना है, गाजर, मूली, ये सब ऐसे नाम आ सकते हैं कि कौन जड़ और कौन तना है। अगर क्वेश्चन और थोड़ा लेवल का है तो इनकी भी कैटेगरियां बांट रखी है कि जो जिनमें ज्यादा पानी की मात्रा रहती है इनको अलग तने में रखा हुआ है, जिनमें ज्यादा कंद की मात्रा है तो उनको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, जिनमें ज्यादा पानी की मात्रा होती है उनको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। जिनमें क्या ज्यादा घाटे होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो इनको भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे कल देखा था ना उन्होंने कि जड़ के उदाहरण कौन कौन से हो गए थे, गाजर, मूली, शक्करकंद हो गए थे, लेकिन गाजर को फिर अलग कैटेगरी में रखा था, मूली को अलग कैटेगरी में रखा था। उसी प्रकार से इसको हम लोग देख लेते हैं, एक कैटेगरी आती है प्रापकंद, इंग्लिश में भी देख लेना है, इंग्लिश में बता दूंगा। एक कैटेगरी आती है प्रापकंद, कौन सी कैटेगरी आती है, प्रापकंद, ठीक है। एक आती है शल्ककंद, कौन सी आती है, शल्ककंद, ठीक है। एक आती है सिर्पकंद, हाँ ओनली कंद, अरे ओनली कंद है ना, ठीक है। देखो तो प्राकंद के अंदर कौन आएगा, ऐसे मतलब ऐसे तने आएंगे जिनके अंदर कंद की मात्रा रहती है, मतलब कंद की मात्रा ज्यादा रहती है। पहले इसको देख लेते हैं, शल्ककंद के अंदर देखो इसको कैसे याद रखोगे, शल्ककंद के अंदर उन तनों को रखा जाता है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो तने में से अनुमान लगाओ, प्याज में ज्यादा पानी रहता ना, ठीक है, तो पानी की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, प्याज और कौन सा हो जाएगा, लहसुन, ठीक है। अब आता है प्रकंद, प्रकंद के अंदर किसे रखा जाता है जिनमें कंद की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे आलू, आलू में बहुत कंद की मात्रा होती है, ठीक है, आलू, इसमें यानी कहने का मतलब कंद की मात्रा ज्यादा होती है। कंद मतलब केले का मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, इसमें सर ने पढ़ा हुआ जिसमें स्टार्च वगैरह कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, स्टार्च ज्यादा खाने का पार्ट रहता है उसमें, केले का। प्राप्त
प्राकंद क्या होता है? प्राकंद में ज्यादा जो गांठे होती है उसे हम लोग रखेंगे प्राकंद में। तो ज्यादा गांठे किसमें होती है? किसमें होती है ज्यादा गांठे? आलू में। आलू में गांठे होती है ज्यादा। और क्या बात कर रहे हो? उसको कंद में रखें, किसमें होगी? अदरक। और क्या होती है? अदरक और हल्दी। हो जाए अदरक और हल्दी। सर अरबी अरबी इसमें नहीं आएगा, अरबी अलग कैटेगरी में, उसमें थोड़ी इनकी लंबे में कम गाढ़े होती है, ठीक है। तो कंद में किसको रखेंगे? तो जिनमें कंद की मात्रा ज्यादा होगी उसको इसमें रखेंगे। तो कंद की मात्रा ज्यादा हो, कंद की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग कहीं में रखेंगे? कहीं में रखेंगे? कंद में। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? आलू। और एक और कौन सा हो जाएगा? ओल। अरबी इसमें ना है। प्राकंद किसे बोलते हैं? तो जिनमें ज्यादा गांठे होती है उसे हम लोग कैसे कैटेगरी में रखेंगे? प्राकंद में। अदरक और हल्दी को हम लोग का उदाहरण मानते हैं। शलगम किसे बोलते हैं? एसिड भूमिगत कण है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग कहीं में रखेंगे? कहीं में रखेंगे? शलगम में रखेंगे। उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? प्याज और लहसुन आ जाएंगे। सिर्फ कंद में किसको रखेंगे? तो जिनमें कंद की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कहने वाला खाने की चीजें ज्यादा, आलू देखो सिर्फ छिलका वेस्टेज जाता है, बाकी पूरा पूरा खाने में यूज आता है। तो जिनमें कंद की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग कहीं में रखेंगे? सिर्फ कंद में रखेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएंगे? आलू और एक और आता है गिनीकन। हाँ गिनीकन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बस आप उदाहरण याद रखो, अरबी। अरबी किसके अंदर आएगा? तो गीनी कंद के अंदर आएगा। प्राकंद को बोलते ट्यूबर, इसको बोलते बल्ब। हाँ बल्ब जैसे दिखते हैं बल्ब, ये ना बल्ब जैसे। अदरक कौन है, कौन सी कैटेगरी? आलू और बोला उसमें प्याज और लहसुन। इसमें आता है राइजोम। इसमें आता है सिर्फ कॉर्न। गीनी कंद कहीं आपको घन कंद भी मिलेगा इसका। फैक्टर है, इंपोर्टेंट फैक्टर, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा, पीडीएफ पे डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, यहाँ ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक है ना। कि जो आलू का जो हरा रंग होता है, जैसे आलू देखा होगा उसमें बहुत बार क्या होता है, ग्रीन कलर का रंग चला जाता है, तो किसके कारण आता है? सेलोमिन के कारण आता है। लहसुन, लहसुन, लहसुन में जो गंध रहती है वो किसके कारण होती है? लहसुन में कौन सा तत्व होता है? आलू सॉरी प्याज, प्याज छिलते समय आंसू आ जाते हैं वो किसके कारण आते हैं, ठीक है। तो वो सारा उसमें पीडीएफ फेंक के दे रखा है उसमें, है ना, एसिड के कारण और ये सारी चीजें उसमें दे रखी है। हरा रंग आता है वो सेलोमिन के कारण आता है, है ना बात समझे। तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें फेंक के लिखी हो तो वो चार पांच आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पढ़े आगे, ये अपना टॉपिक हो गया तने वाला। कौन सा हो गया? तने वाला। इनको थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते एक बार, ठीक है। देखो एक बार देख लो जल्दी से, हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले? तना पढ़ा। तना जो है वो बीच के कौन सा वाले भाग से निकलता है? तो कौन सा वाले भाग से निकलता है? प्राणकोष से निकलता है। और मूलांगों से कौन निकलता है? जड़ निकलता है, ठीक है। विकास कहां से होता है? तो प्राणकोष से होता है। इसका जियोट्रोप कैसा होता है? कैसा होता है? नेगेटिव। ऑटोट्रोफ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्या तना भोजन बना दो? एक पर्टिकुलर कंडीशन में तना भोजन बना सकता है, ठीक है। मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? नॉट और इंटर नॉट आ जाएगा। इसके बाद क्या देखा था उन्होंने? जलकुंभी हो गया। अब इसके एक दो उदाहरण आपको पीडीएफ पे दे रखे, वो भी याद कर लेना आप लोग, वो एग्जाम में आए हुए। भूमिगत तना किसे बोलेंगे? ऐसा तना जो 100% कहां पर रहता है? जमीन के अंदर रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत तना। कौन कौन से हो जाएंगे? आलू अदरक प्याज लहसुन हल्दी वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अब तने के अंदर भी और पार्ट देखें तो इनको भी अलग कैटेगरी में बांट रखा है। तो प्राकंद के अंदर किसको रखते हैं? जिनमें ज्यादा गांठे होती है। तो प्राकंद में कौन कौन से आ जाएंगे? अदरक और हल्दी आ जाएंगे। शलगम में कौन है? तो जिनमें ऐसे तने, ऐसे भूमिगत तने जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कौन कौन से हो जाएंगे? प्याज और लहसुन हो जाएंगे। सिर्फ कंद, ओनली कंद का मतलब क्या है? कि जिसमें कंद की मात्रा क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन से उदाहरण हो जाएगा? आलू और ओल हो जाएगा। गंध कंद, गंध कंद या गिनी कंद, इसके अंदर कैटेगरी कौन सा उदाहरण हो जाएगा? अरबी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट है जो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पत्ती वाला। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? पत्ती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? देखी हुई ना सही ना? पत्ती नहीं देखी हुई? पत्ती नहीं देखी हुई? पेड़ की पत्ती।
देखो कुछ ऐसी पत्तियां भी होती है, ठीक है, ये ऐसी पत्तियां भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं, कैटेगरी बाद में देखेंगे कि ऐसी पत्तियां जिनकी मार्जिन सेम होती है, ऐसी पत्तियां जिनकी मार्जिन अलग अलग होती है, तो उनको देख लेते हैं। देखो मेनली जो पत्तियां निकलती है वो कहां से निकलती है, तने से निकलती है। कहां से निकलती है, तने से निकलती है। जो तने से जो पत्तियां निकलती है ये जहां से निकल इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं व्रंत। क्या बोलते हैं, व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्रंत बोलते हैं। इसका ये वाला जो मध्य वाला जो भाग है इसे बोलते हैं शिरा बोलते हैं। सर ने पढ़ा होगा शिरा और धमनी, वेंस और एड्रिनल, ठीक है। तो ये वाली जो शिरा होती है मध्य शिरा होती है इसको मुख्य शिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य शिरा बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो इसकी बॉर्डर होती है इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और इनके जो कोने होते हैं इनको एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेक्स। और ये वाला जो बॉर्डर है इसे बॉर्डर को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्जिन। इसे बोलेंगे मार्जिन। और ये जो कोने निकले होते हैं इन्हें क्या बोलेंगे, अपेक्स। और जहां से ये पत्तियां निकलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्रंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्रंत बोलेंगे, ठीक है। अब मेन पत्तियों का काम क्या होता है, पत्तियां कितने टाइप की होती है, पत्तियों का मेन काम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक और बात, ये जो पत्तियों के अंदर जो खाली जगह होती है इनमें दो टाइप का ये होता है। अब इसमें कुछ तो छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र, ठीक है। और कुछ खाली जगह होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो सबसे पत्तियों की सारी चीजें अपन देख ली कि जहां से पत्ती निकलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। ये जो बॉर्डर होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। ये जो कोने होते हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपेक्स बोलेंगे। अब पत्तियों में आप ध्यान से देखोगे तो कुछ तो खाली जगह होगी, कुछ छिद्र होंगे, है ना बात समझे। तो कुछ तो छिद्र होते हैं और कुछ जो खाली जगह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रंध्र होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, तो पत्तियों का जो मुख्य काम होता है, पत्तियों का जो मुख्य काम होता है वो क्या काम होता है, तो भोजन बनाने का काम होता है। जो पेड़ पौधों के लिए किसका क्या काम होता है, तो भोजन बनाने का काम होता है। दूसरी चीज, ये जो रंध्र होते हैं इन रंध्र का मेन काम क्या होता है, रंध्र का जो मेन काम होता है पत्तियों के, तो इन रंध्र से क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो भोजन बनाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण में आपको अलग क्लास में बताऊंगा, है ना समझे। तो ये जो रंध्र होते हैं इनका मेन काम होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद जो पत्तियां वगैरह भोजन वगैरह बना के वापिस इन्हीं रंध्र से ऑक्सीजन को बाहर भेजती है, है ना बात समझे। तो मेन इन रंध्र का जो काम होता है, इनका मेन काम क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ठीक है। और इसके बदले में किसको निकालती है, वो बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालती है, ठीक है। इन रंध्र का जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और बाहर मतलब ग्रहण करना, ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ना। आई बात समझे। दूसरी बात, इन्हीं रंध्र का जो एक और काम होता है वो क्या करता होता है कि इसके थ्रू जैसे मतलब ये भोजन वगैरह बनाते हो, और आपको डीप में अच्छे समझ में आएगा जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जब ऑक्सीजन बनेगा तो जल की भी हानि होगी, इन्हीं रंध्र के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल की हानि करते हैं, यानी जल को उड़ा देते हैं। अरे बात समझ, कि गर्मी के जो दिन होते हैं उनमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे क्या होते हैं इन्हें छिद्र से ऑक्सीजन को लेते हैं और इन्हीं छिद्र से पानी को उड़ाते भी, अरे बात, यानी जल की हानि होती है। इस वजह से जब गर्मी के दिन आते हैं, जब गर्मी के दिन आते हैं तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों, क्योंकि जब पत्तियां नहीं रहेंगी तो रंध्र ही नहीं रहेंगे, जब रंध्र ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा ही नहीं, अरे बात समझे। यानी कहने का मतलब इन रंध्र का एक और काम क्या होता है, तो ये जल हानि का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जल हानि का काम करते हैं, ठीक है। तो मेन काम क्या हो गया इनका पत्तियों का, भोजन बनाने का काम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, और जल की हानि करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब जल की जब हानि होगी तो सर ने आपको पढ़ा होगा कि जब मान लो कहीं से ऊष्मा निकल रही है, केमिस्ट्री पढ़ा थी ना सर ने, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऊष्मा का डोस होगा, हानि ये होगा, ठीक है। एक और बात क्या है, इन्हीं रंध्र से जब पानी वगैरह निकलता है तो पेड़ पौधों की ऊष्मा जो होती है वो भी निकल जाती है। यानी एक और बात क्या होती है, ऊष्मा की भी हानि होती है। किसकी हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है, ठीक है। जब जल की हानि होती है, जब जल की हानि होती है उस वजह से गर्मी के दिनों में, अब गर्मी के दिनों पेड़ पौधों को पानी चाहिए, ठीक है, जब पत्तियां रहेगी तो वो क्या करेगी, वो पानी को उड़ा देगी। उस वजह से पतझड़, यानी गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, क्यों गिरा देते हैं, जल की हानि को रोकने के लिए। और वही कभी 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 ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो ठंड के दिनों में भी पत्ते गिरा देते हैं, तो वो क्यों गिराते हैं, क्यों गिराते हैं, वो ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। आ रही बात समझ में, आ रही होगी समझ। देखो एक बार समझो, मेन
पत्तियों का जो काम होता है वो क्या काम होता है? भोजन बनाने का, ठीक है। पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं, इन छिद्र का मेन काम क्या होता है? तो वायुमंडल से किसका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? वो ग्रहण करती है, और बदले में बाहर कौन सी गैस निकालती है? ऑक्सीजन निकालती है। इसी के साथ साथ में इन रंध्र का जो और काम होता है, यानी पत्तियों का जो और काम होता है, ये जल की हानि भी करते हैं। यानी जड़ से जो, यानी कहने का मतलब जो जड़ से पानी आ रहा है, उन पानी को क्या करते हैं? रंध्र के द्वारा बाहर फेंक देते हैं। अरे बात समझे, तो जो पेड़ पौधों को जो पानी मिल पाना है, वो पत्तियां वैसे बाहर फेंक रही है। जब गर्मी के दिन आएंगे तब पेड़ पौधों को और पानी की जरूरत लगेगी। अब जब पत्तियां होगी तो पानी को बाहर फेंक देगी, उस वजह से गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अरे बात समझे, और ठंड के दिनों में क्या होता है कि ठंड के दिनों में पत्तियां वगैरह रहेगी, जब वो भोजन वगैरह बनाएगी तो वो क्या होगा, जब जल की हानि होगी तो साथ साथ में किसकी हानि होती है? ऊष्मा की भी हानि होती है। जब ऊष्मा की हानि होगी, उस वजह से ठंड के दिनों में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। तो कुल मिला के पत्तियों के अपने को चार पांच काम अपने को यह पता होना चाहिए कि मेन भोजन बनाने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का काम करती है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने का काम करती है, जल हानि करती है और ऊष्मा हानि करती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेड़ पौधे ठंड के दिनों में अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? तो ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ऊष्मा हानि में लिख लो, ठंड के दिनों में पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठंड के दिनों में पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्यों गिरा देते हैं? ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। और गर्मी के दिनों में क्यों गिराते हैं? जल हानि को रोकने के लिए। पता चला कि जड़ नीचे 10 लीटर पानी ला रही है, पत्तियां 10 लीटर को उड़ा दे रही है ना, तो उसका रीजन भी लिखा है कि पेड़ पौधों को, तो यहां समझ में आ जाएगी पत्ती को गिराए। अब दो टाइप के होते हैं, कैसे? एक जो आपने पत्तियां देखी होगी, ठीक है, जैसे आपने उसका आम का वो देखा, पत्ता देखा, वो कैसे रहता है? लगभग ऐसे रहता है। वो यदि आपने नीम का देखा होगा तो नीम का ऐसे रहता है, छोटा रहता पर ऐसे रहता है। यानी कहने का मतलब इसकी मार्जिन जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है और इसकी मार्जिन क्या है? कटी फटी। आया बात समझे? तो सबसे पहले यदि पत्तियों का वर्गीकरण करेंगे तो पहले करेंगे मार्जिन के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? मार्जिन के आधार पर, ठीक है ना। तो मार्जिन के आधार पर पहले जो पौधे होंगे इन्हें बोलेंगे हम लोग सरल। क्या बोलेंगे? सरल। कौन सा बोलेंगे? सरल। ऐसी पत्तियां जो सरल पत्तियां होती है वो क्या होती है? उनकी मार्जिन क्या होती है? बिल्कुल एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है, ठीक है। चलो, तो सरल मार्जिन वाले पत्ते, जैसे मान लो ये वाले हो गए, इनकी पत्तियां कैसी होगी? बिल्कुल जिसकी मार्जिन क्या एकदम से, जैसे पीपल का पत्ता देखा हुआ, पीपल का भी बिल्कुल एक जैसा होता है ना मार्जिन, बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। अगर नीम का देखोगे, नीम की जो मार्जिन होती है वो कैसी होती है? वो ऐसी रहती है, ऐसी रहती है। आइए बात समझे, तो मार्जिन के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मार्जिन के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो, ठीक है। एक तो हो जाएगा सरल, ठीक है, और एक हो जाएगा जालिकावत। जालिकावत जिनमें जालियां वगैरह रहती है, ये ऐसी जालियां वगैरह रहती है, जालिकावत। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पत्तियां होती है ये मार्जिन ऐसी होती है। हाँ, ये ऐसी बात देख लेना, अब इससे आप डिसाइड कर सकते हो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल पत्ती। इसे क्या बोलेंगे? जालिकावत। या एक और इसका ये भी आता है, कठोर पत्ती भी बोलते हैं, कठोर पत्ती, इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसे हम लोग सरल पत्ती बोलेंगे जिसकी मार्जिन क्या होती है? एकदम से प्लेन होती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल पत्ती। और जिसकी मार्जिन क्या होती है? ऊपर खापड़ होती है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कठोर पत्ती बोलते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे बोले, इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल और इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। हाँ, यही बोलते हैं, नाम अलग अलग रहते हैं इसमें, इसका है सिंपल, इसका कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो, तो मार्जिन के आधार पर पत्तियों कितने भागों में बांटा है? दो। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा सिंपल, एक और कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। जिसकी मार्जिन बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिल्कुल एक जैसी रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल। जिसकी मार्जिन बिल्कुल थोड़ी ऐसी रहे, जालिका जैसी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर उदाहरण देखें तो पीपल आ जाएगा और आम आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? नीम आ जाएगा। पपीता ऐसी रहता है, हाँ, पपीता भी लिख सकते। चलो, जो आपको और चित्र वहां एग्जाम में जो उदाहरण आया उसी हिसाब से लगा देना। अब ये तो हो गया किसके आधार पर? मार्जिन के आधार पर। अब एक और देखते हैं, इसको देखो, फिर उसके बाद होता है। जैसे एक पत्ता देखा होगा, इधर देखो ध्यान से,
ठीक है, एक पत्ती ऐसी। अब मार्जिन को नहीं देख रहे हम लोग, है ना, दोनों को सेम ही बना लो। हाँ वो भी, उसमें भी देख लेंगे। यहां समझो, देखो इसको यदि हम लोग देखेंगे, इसकी जो ये मुख्य शिरा है, इसके बाद जो ये अन्य है, देखो यहाँ पर जो देखोगे इनमें क्या, ये वाला जो पार्ट है अलग अलग पार्टों में बटी हुई, और इसमें जो देखोगे ये वाली जो पूरी लाइन है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इक्वल पार्ट बटी हुई। जैसे हमने किसका देखा हो, गेहूं का पत्ता देखा, गेहूं का, इसके बाद इसका केले का पत्ता देखा, ठीक है, उसको यदि आप फाड़ते हो तो वो बिल्कुल एक लाइन में पड़ता है, अन्य बात समझे, बिल्कुल एक लाइन में, यानी उनकी जो लाइनें होती है वो एकदम से सिंपल होती है। आइए बात समझे, जैसे केला हो गया, आ ये आपने गेहूं, गेहूं हो गया, आइए बात समझे। उसके बाद ये वाले जो पत्ते हो गए इनको यदि आप फाड़ोगे तो ऊपर खाबट फटेंगे, है ना, जैसे आम का पत्ता आप फाड़ोगे तो एक सीध में नहीं फटेगा, है ना, पीपल का पत्ता यदि आप फाड़ोगे तो ऊपर खाबट फटेगा, लेकिन वही यदि आप केले का पत्ता फाड़ोगे तो केले का पत्ता एक प्लेन साइज में फटता है, ना बात समझे। इनके आधार पर भी, यानी इनके आधार पर भी इनको हम लोग पत्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं, बात समझे, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एक बीज पत्री, क्या बोलेंगे, एक बीज पत्री, और इसे हम लोग बोलेंगे द्विबीज पत्री। क्वेश्चन पूछा हुआ यहां से, देखो इनकी पत्तों की पहचान आराम से हो सकती है, कैसे होगी, एक तो है एक बीज पत्री, एक है द्विबीज पत्री, ठीक है, ऐसे बीज जिसका, जैसे आप उसको फोड़ते हो तो आसानी से उसके दो टुकड़े हो जाए, आने बात समझे, जैसे आपने चना देखा हो, अब चना को आप जैसे तोड़ते हो तो उसके दो पार्ट आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, यदि आप गेहूं का दाना देखते हो तो दिखने में ऐसा लगता है कि दो पार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसको यदि आप फोड़ते हो रियल में दो टुकड़े नहीं होते। जैसे आपने इमली का गुठली देखी होगी, उसको भी तोड़ते हो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद किसके, हाँ इसका चने का, चने के आराम से दो पार्ट हो जाते, नहीं हो जाते, और किसके हो सकते हैं, हाँ वो इमली वाला भी हो जाता है, उसके भी हो जाता है, और किसके हो सकते हैं, हाँ मटर, मटर। ऐसे जो ये जो पौधे होते हैं ये सारे काय में आएंगे, द्विबीजपत्री में आएंगे, काय में आएंगे, यानी ऐसे पौधे जिनका क्या है, जो बीज है वो दो पार्टों में बढ़ जाता है, तो उन पौधों के मतलब जिनका भी क्या है दो पार्ट में बढ़ जाता है, वो वैसे पौधों को या वैसी पत्तियों को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बोलेंगे, और ऐसे जो क्या दो भागों में नहीं बढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकबीजपत्री। जैसे गेहूं का दाना दिखने में ऐसा लगता है कि दो पार्ट में टूट जाएगा, गेहूं वो चावल का दिखने में ऐसा लगेगा कि दो पार्ट में टूट जाएगा, लेकिन रियल में वो टूटता नहीं है, आने बात समझ। मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप बीज देखकर उसके पत्ते का डिसाइड कर सको, आने बात समझ। अगर आपको कोई बीज दे दिया जाए, अगर वो दो पार्ट में बढ़ जाता है तो आप सुबह की बात बता सकते हो कि उसकी पत्तियां कैसी होगी, उसकी पत्तियां कैसी होगी, द्विबीजपत्री, है ना, उसके जो पत्ते होंगे वो कैसे होंगे, जालिकावत होंगे, आने बात समझे। और ऐसे ऐसे बीज जो दो पार्ट में आसानी से नहीं टूटते हैं वो काय में आ जाएंगे, एकबीजपत्री। जैसे इसके अंदर रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, केला आ जाएगा, चावल, गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, बस मैं आपको एक दो उदाहरण बता रहा हूं। और द्विबीजपत्री किसे बोलेंगे, जिनका आसानी से दो पार्टों में बढ़ जाए, कैसे, कौन कौन सा हो जाएगा, चना, और कौन सा हो जाएगा, मटर हो जाएगा। चलो इसको लिख लो, पहले वाले को इसको लिख लो, देखा, हाँ चलो लिखो, पत्तियों के प्रकार मार्जिन के आधार पर, पहला पार्ट लिखना सिंपल, पहला लिखना सिंपल, सेकंड लिखना कॉम्प्लेक्स, इससे अच्छा है आप इंग्लिश में देख लो इसको, है ना, पहला सिंपल और सेकंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में लिखना जिसकी मार्जिन सीधी हो, जिसकी मार्जिन क्या हो, सीधी हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या लिखोगी, जिसकी मार्जिन टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना, ऊबर खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी, बस आपको समझ में आना चाहिए। उदाहरण लिख लो दो दो दोनों के, हाँ सिंपल में लिख लो पीपल और आम, पीपल और आम। कॉम्प्लेक्स में लिखिए, हाँ जिसकी मार्जिन क्या लिखा, जिसकी मार्जिन टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है ना। इसके अंदर उदाहरण लिख लो नीम और पपीता। चलो लिखिए मार्जिन वाला, सेकंड लिखिए शीरा के आधार पर, बोले वेंस के आधार पर, ये वेंस, हाँ वही नसे वेंस, शीरा के आधार पर, शीरा के आधार पर। पहला लिखना एक बीज पत्री और दूसरा लिखना द्विबीज पत्री, इधर भी लिखो आप समझ जाना ना,
ऐसा नहीं कि आगे मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, इधर इधर लिख दो आप लोग, है ना। एक एक बीच पत्री, एक और कौन सा हो जाएगा, द्विबीज पत्री। ठीक है, एक बीच पत्री वाला ऐसा बना लेना सिंपल। ये यानी अपनी देशी भाषा में हम लोग समझे तो कैसे, अगर आप कोई पत्ता लोगे और फाड़ोगे तो बिल्कुल जो प्लेन साइज में फट जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे मक्का, मक्का का आएगा इसमें एक बीज में, क्या मक्का के दो, मक्के के जो दाने होते हैं उसके दो पार्ट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। भले आप कैसे बिल्कुल इसके लेके काटोगे तो भी दो पार्ट में हो सकते हैं ना। चना, चने को आप कैसे भी तोड़ोगे तो भी उसको दो पार्ट में पड़ जाएगा, ठीक है। चलो एक बीज पत्री में कौन सा हो जाएगा, उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, केला, गेहूं, चावल, मक्का। दोनों के डायग्राम बना लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो शिरा रहेगी वो बिल्कुल प्लेन रहेगी। ठीक है, वो द्वीप बीच पत्री में उदाहरण कौन कौन सा लिखो, चना, मटर, तो जिनके भी दो पार्ट आसानी से बन जाएंगे वो कहीं आएंगे द्वीप बीच पत्री में, और जिनके आसानी से दो पार्ट में नहीं बटेंगे वो कहीं आ जाएंगे एक बीच पत्री। बोटनी में हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिए, तना, पत्ती। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके फूल से, फूल। ठीक है, फिर इसके बाद बचेगा फल, फल। ठीक है, फूल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कि फूल का मेन काम क्या होता है, कौन से फूल है, कौन। जैसे एक फूल और आपने सुना जो 12 साल में एक बार खिलता है, नील कुरंजी, हाँ, ये 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है, ये पढ़ेगा। इसके बाद जब फल पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि सत्य फल किसे बोलते हैं, असत्य फल किसे बोलते हैं, पढ़ा होगा ना, सत्य फल होता है, असत्य फल होता है। ठीक है, धनिया काय में आएगा, सेब फल काय में आएगा, केला काय में आएगा, ये फल में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और बचेगा आपका बीज, कौन सा आएगा, बीज। उसके बाद पेड़ के सारे कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद इनका पोषण कैसे होता है, इसके बाद इसके हार्मोन, ठीक है, इसके बाद उत्तर, और आपका वोटरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कल पढ़ेंगे।